हेलो, नमस्कार वंदन और अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि UPSC का एडमिट कार्ड भी आ गया है और आपका एग्जाम निश्चित है, यानी कि 30 जो कि डेट दे रखी है उसमें, तो 30 तारीख को आपका एग्जाम होना है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखने वाले हैं आज HPSC का, यानी कि जो हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर किस तरह का आया था, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आसपास ही घूमते रहते हैं। यानी कि उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, मालथस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है। यानी कि इनके अनुसार जो जनसंख्या 2 गुना हो जाती है तो उसका समय पूछ लिया है, तो वो समय है आपका 25 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करें तो जो जनसंख्या वृद्धि है माल्थस की, तो इसमें खाद्यान्न और जनसंख्या दोनों का अलग अलग अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है। तो जनसंख्या की बात करेंगे आप तो ज्यामितीय विधि से, यानी कि 2, 4, 8 इस तरह से बढ़ती है, और जबकि आप खाद्यान्न की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 अंकगणितीय विधि के द्वारा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की, तो ये है आपका मिलान करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो अभी क्वेश्चन पेपर 1-2 सॉल्व करा चुके हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा वो क्वेश्चन है वो इसमें भी रिपीट हुए हैं। जैसे ये रैली है, रैली का फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, जो कि UPSC में भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जिफका न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, ये भी रिपीट हुआ है। स्टोफर अंतराली अवसर और हैगर स्टैंड स्थानिक अंतर क्रिया मॉडल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें आपका जो सही है वो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि ग्लोब पर कौन से अक्षांशीय विस्तार के मध्य विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। यानी कि अक्षांश पूछ रहा है जहां पर कि जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। अब यहां पर आप देख रहे हैं उत्तरी अक्षांश में ही है, क्योंकि जो स्थलखंड है वो उत्तरी अक्षांश में ही सर्वाधिक है, तो यहां पर दक्षिण अक्षांश में होने का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रजनन जो दर है, तो शुद्ध प्रजनन दर यानी कि NRR का कौन सा मूल्य प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें जो आंसर है वो है 1। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको मिलान करना है, विचारक हैं और उनके कार्य हैं। जैसे कि पीटर गुल्ड हैं जो कि मानसिक मानचित्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका मानसिक मानचित्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एच साइमन संतुष्टि मॉडल, एलन प्रेड हैं व्यवहारवादी मैट्रिक्स है, और बोलपर्ट हैं वो स्थानिक परिप्रेक्ष्य में निर्णय प्रक्रिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका हम मिलान करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2nd, 3rd, 4th और 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लिंग भेद से संबद्ध सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी। अब यहां पर लिंग भेद, तो अगर आप इसे अगर आपने पढ़ा नहीं है फिर भी आप देखेंगे तो लिंग भेद का जो विचार है वो स्वाभाविक है कि वो नारीवाद फेमिनिज्म ही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप सोचेंगे तब भी ये आप आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि
उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर जो एंटीपोड पत्रिका है उसके बारे में बात की, तो इसका पूछा इन्होंने कि कहाँ से, तो ये था क्लार्क विश्वविद्यालय, अमेरिका का है ये, और यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध का मूल ध्येय है। तो यहां पर जो मूल ध्येय है उसमें कौन आएगा, तो आएगा उसमें प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक उपागम की एक मान्यता नहीं है, तो यहां पर मान्यता नहीं है पूछ रहा है। यहां पर भी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, सर्कल कर लें, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो यहां पर आर्थिक मनुष्य, समरूप प्रदेश और आर्थिक समझ है, लेकिन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो नहीं पूछ रहा है, तो मानवीय मूल्य इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि वेबर के अनुसार रेखाएं जो समान कुल परिवहन लागत वाले स्थानों को जोड़ती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आइसोडाफेन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहाज रानी निर्माण में अग्रणी देश है, तो वो है आपका जापान। यानी कि एक तरह से सीधा ही फैक्ट पूछ लिया गया है यहाँ पर। और नेक्स्ट है जो क्वेश्चन वो है हो कृषि पद्धति, यानी कि स्थानांतर जो कृषि पद्धति है उसके बारे में बात की गई है, तो ये क्या है आदिम कृषि से, यानी कि एक कृषि पद्धति है, तो ये किससे संबंधित है ये पूछ लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है 14 नंबर है कि सकल फसल क्षेत्र यानी GCA और शुद्ध बोया क्षेत्र यानी NSA का आनुपातिक संबंध दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका शस्य गहनता। और इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से व्यवसाय है तृतीय क्रियाओं की बात कर रहा है कि तृतीय क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं तृतीय क्रियाओं में आपका एक तो हो जाएगा खुदरा व्यवसाय हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका ये प्रशासक, तो इस प्रकार से 1 और 3 ये आपके हो जाएंगे। अगर हम कृषक की बात करें बड़े की बात करें तो ये सारे के सारे प्राथमिक में जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहां पर तृतीयक पूछा गया है, प्राथमिक पूछ सकता है, द्वितीयक पूछ सकता है, चतुर्थक भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है आपका कि जो नाम है उन्हें एल्बिडो की मात्रा के आधार पर आपको सुमेलित करना है। अब यहाँ पे एल्बिडो की मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे सुमेलित हैं। अब जब सारे के सारे सुमेलित हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो टी वार्थ है 34 है, मोलर है 35 है, क्रचफील्ड 30 है और स्टॉलर है 32 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और उसमें बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर कथन कारण है ITCZ का विस्थापन भूमि सतह पर सागरी सतह की अपेक्षा अधिक होता है और ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्र भू सतह की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्र की बात कर रहा है। अब ग्रीष्म ऋतु है और सागरीय क्षेत्र है, तो सागरीय क्षेत्र भू सतह की अपेक्षा अधिक गर्म कैसे हो जाएगा, भू स्थल ही अधिक गर्म होगा सागरीय क्षेत्र से, तो इस प्रकार से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, जबकि आपका ए सही है इसमें और गलत है। नेक्स्ट है कि ध्रुवीय ज्योति या फिर अरोरास से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका आता है आयन मंडल से संबंधित है, यानी कि वायुमंडल से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर आयन मंडल से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विषम मंडल में आयनित गैसों की परतों का नीचे से ऊपर सही क्रम बताओ, यहां पर ये जो 4 गैसें हैं इनका सही क्रम पूछा है और उसने हिंदी में ना देखे इंग्लिश में ही उन्हें दिया गया है,
तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ए होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्रम बनता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई जिस पर सौर स्थिरांक की गणना की जा सके, तो ये है आपका 480 किलोमीटर, यानी कि ये भी एक फैक्ट है। और इसके अलावा है यहाँ पर कोपेन के जो जलवायु के संकेत हैं वो दिए गए हैं, जलवायु के प्रकार दिए गए हैं और उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी एस है भूमध्य सागरीय होती है, ए डब्ल्यू है सवाना होती है, सी डब्ल्यू है तो ये चीन प्रकार की, उसके बाद सी एफ है वो पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर जो मानसूनी प्रदेशों में नहीं आता वो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है और ये नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो ये है कि फेरल कोशिका में धरातलीय पवने हैं। अब यहाँ पर पवनों से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी फेरल कोशिका से पूछा गया है, तो ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं पछुआ पवने। नेक्स्ट है कि वायु के अवतलन वाले क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ एवं मेघ रहित रहते हैं क्यों, यानी कि क्यों रहते हैं मेघ रहित? तो इसका आंसर नंबर वी कि संघनन हेतु दशाएं उपयुक्त नहीं होती हैं इसलिए। नेक्स्ट है कि इसमें भी आपका ए और आर दिया हुआ है, यानी कि अभिकथन और कारण। अधिक ऊंचाई पर होने वाला तापीय व्युत्क्रमण लंबे समय तक बना रहता है और पृथ्वी सतह के समीप वाली वायु पर पार्थिव विकिरण का प्रभाव ज्यादा तथा जल्दी होता है। तो यहाँ पर ये आपके दोनों ही सही हैं और ये है आपका कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26 के, भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने प्रकाशित किया था? प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख, तो ये थे ब्लास महोदय जो कि एक संभववादी हैं। और नेक्स्ट है आपका कि जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या किसने की? जहां तक आप लैंडशाफ्ट की बात करेंगे तो यहां पर इनका नाम आता है कार्लो सावर। और नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की गणना, अब आप देख रहे हैं विश्व मानचित्र की गणना ये वाला क्वेश्चन यूपीएचएससी में भी आया था, जो कि 2016 का जो एग्जाम था उसका 49 जो था उसका विज्ञापन नंबर, उसमें तो उसमें भी एनेक्जीमेंडर इनको पूछा गया है, तो इसमें भी सीधा सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें है आपका विचारधारा जलवायु प्रकार। अब यहां पर विचारधाराएं दी गई हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं रुको एवं जाओ निश्चयवाद, रुको एवं जाओ निश्चयवाद जो कि ग्रिफ्त टेलर का है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है उसे हम देखें तो बी नंबर है, यानी कि 3142 प्रत्यक्षवाद है, उसको आप 3 से करेंगे तो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है? यहां पर यानी कि 3 तो सुमेलित दे रखे हैं और एक है वो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो जब देखेंगे तो मिन्सुल है, मिन्सुल ने इंडिया ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस दिया है, स्पेंसर ने एंड थॉमस है स्पेंसर, उन्होंने इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी दिया है, पीई जेम्स ने ऑल पॉसिबल वर्ल्ड दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा आर्जे जॉनस्टन मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, इनका नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें पूछा गया है
कि जो सूचकांक हैं और जो शामिल किया गया है इन्हें किस वर्ष में उनके बारे में। तो यहाँ पर लिंग विकास सूचकांक है जो कि 1995 में आया, मानव गरीबी सूचकांक है जो कि 97 में आया, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक है जो कि 2001 में आया, असमानता संशोधित मानव विकास सूचकांक है जो कि 2010 में आया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये है हमारा 32 नियोजन प्रदेशों की सीमा निर्धारण का आधार है। तो यहाँ पर समांगता हो जाएगा, प्रशासनिक सहूलियत भी हो जाएगा और केंद्रीयता भी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि वृद्धि की सीमाएं संकल्पना संबंधित है। यहाँ पर ये नव माल्थसवादी जो सिद्धांत है उसमें आपका वृद्धि की सीमा यानी लिमिट्स टू ग्रोथ दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप जो वर्ड है उसे इंग्लिश में भी लर्न कर लें, क्योंकि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनकी अक्सर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें है सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, और इसमें दिया गया है कि आर्थिक वृद्धि है तो इससे मिलाएंगे प्रति व्यक्ति आय, विकास है तो वो गिनी गुणांक मानव विकास है यहाँ पर, यानी कि आपका 2143 इसका आंसर हो जाएगा। मानव विकास जो कि आप जानते हैं HDI होता है, टिकाऊ विकास है वो ग्रीन GDP है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जिसे कि कौन सा एक विकास का प्रांचल नहीं है, तो विकास का प्रांचल नहीं है इसमें, यानी कि नहीं आ गया, और इसमें आपका मानव व्यवहार ये विकास का प्रांचल नहीं है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी स्तर है, प्राकृतिक वातावरण है, संस्थाएं हैं, इन सभी के द्वारा विकास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि क्रिस्टोलर के कार्य दक्षिण जर्मनी के केंद्र स्थल का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, यानी कि जो ये दक्षिण जर्मनी के केंद्र स्थल है इसका पूछ रहा है, तो ये किया था बास्किन महोदय ने, यानी ये एकदम से फैक्ट है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 10 लाखी नगर, तो इन्होंने ये केरल माना है। और नेक्स्ट है लुई मम्फोर्ड ने किसी नगर की अधिकतम वृद्धि की अवस्था जिसमें कि अवसान के संकेत भी दिखाई दें, तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है मेगालोपोलिस। जरूरी नहीं है किसी तरह से क्वेश्चन आए, इसकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेगालोपोलिस अक्सर पूछा जाता है जिन कॉटमैन का, कि ये किस से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम मेट्रोपोलिस था, तो विश्व का प्रथम मेट्रोपोलिस था लंदन। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी नगरीय क्षेत्र की चारित्रिक विशेषताएं हैं, और नगरीय क्षेत्र की कुछ विशेषताएं दी गई थी जैसे कि जनसंख्या 5000 व्यक्ति या इससे भी अधिक हो, कम से कम 75% पुरुष, श्रम जनसंख्या आकर्षित कार्यों में यानी कृषित नहीं आकर्षित अन्य कार्यों में लगे हों, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे भी अधिक हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसने जनजातीय आदिवासों को जंगली क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों की भांति स्थापित करने की बात कही, तो ये आंसर है आपका वी एल्विन ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है कि अरब सांस्कृतिक परिमंडल किस धर्म या धर्मों का जन्म स्थल है, तो ये ईसाई और इस्लाम दोनों का ही है, तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है उसमें है आपका कि सांस्कृतिक समानता के आधार पर, यानी कि सांस्कृतिक समानता के आधार पर सांस्कृतिक क्षेत्रों का आरोही क्रम है, तो ये है आपका सी नंबर, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक मंडल। नेक्स्ट है कि विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर ये
उस टाइम जो हिंदी का ये नंबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर हिंदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन का स्वरूप नहीं है, तो वो है आपका मानव। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके लिए विवाह प्रवास का सर्व प्रमुख कारण है, तो ये है ग्राम से ग्राम का। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए यहाँ पर दो उपाय किए जाते हैं, यानी कि ये वालू का स्तूपों का स्थलीकरण हो जाएगा और आपका सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर कृत्रिम वर्षा का कोई कार्य नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें पूछा गया है कि भारत का ज्वालामुखी द्वीप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नारकोंडम भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भ्रंशित या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका सतपुड़ा जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। और आपका जैसे कि नेक्स्ट है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोपयुक्त क्षेत्र है, तो ये है आपका खंभात की खाड़ी। तो इस प्रकार से आज हमने देखे इसमें 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट अभी इसमें जो HPSC का पेपर है और इसमें अभी 50 क्वेश्चन और हैं, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए और ज्योग्राफी के, जैसे कि ज्योग्राफिकल थॉट है या फिर इंडियन ज्योग्राफी है, तो आपको उसकी भी काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी और आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।